हाँ, तो आयतन के लिए हमने देखा ना कि हम ये देखते हैं कि किसी वस्तु किसी जैसे घन के आकार की टंकी है, तो उसमें हमें पानी भरना है, तो हम देखेंगे कि उसको क्या निकालना है, उसका आयतन निकालना है। यानी कोई ठोस आकृति में कितनी जगह है ये देखने के लिए हम हमेशा क्या निकालते हैं, आयतन निकालते हैं। ठीक है, तो आयतन का जो सूत्र होता है वो आपको लर्न करना है, वो होता है भुजा का क्यूब। भुजा का क्यूब यानी भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, तो आप इसको बोलते हैं ए क्यू। ठीक है, तो आपको ये दोनों फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² और आयतन ए क्यू। ठीक है, ये घन के बारे में हो गया, समझ गए आप लोग। अब नेक्स्ट हम करते हैं किसकी तरफ, घनाभ की तरफ। घनाभ को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइड। क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड। ये तो क्यूब है और ये क्या है, क्यूबॉइड। घनाभ, घनाभ में बस इतना सा अंतर है ये कि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग होती है। जैसे इसमें तो सारी भुजा कैसी है, बराबर, लेकिन इसमें बराबर बराबर ना हो करके अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि माचिस की डिब्बी, माचिस की डिब्बी में हम देखेंगे तो वो एक आयताकार बॉक्स हो गया। इसको कहते हैं वर्गाकार बॉक्स, इसको कहते हैं आयताकार बॉक्स। क्यों? क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कैसी होती है, अलग अलग। तो देखिए आप चित्र में दिख रहा होगा आपको कि ये तो लंबाई है, इसको ऐड करिए, चौड़ाई लंबाई से अलग है तो ये बी होती है और ये जो ऊंचाई होती है वो एच होती है। ठीक है, लंबाई को एल, चौड़ाई को बी, ऊंचाई को एच, इस तरह से कहते हैं। ठीक है, तो अब हमें देखना है इसमें कि इसके लिए घनाभ के आपको उदाहरण समझ में आ गए। उदाहरण हम इसका लिख लेते हैं, जैसे कि माचिस की डिब्बी। ठीक है, आप और भी उदाहरण सोचेंगे इसके और बताएंगे। ठीक है, तो ये जब ये हो गया हमारे पास घनाभ। अब घनाभ के लिए हमारे पास इसमें भी हमें क्या निकालना होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोई पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें निकालने के लिए फॉर्मूला आपको लर्न करना है, 2 ब्रैकेट में लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये फॉर्मूला है आपके पास पृष्ठीय क्षेत्रफल का। ये लंबा, बहुत लंबा फॉर्मूला लग रहा है आपको, लेकिन इतना इजी है। देखो कैसे लर्न करोगे, 2 लंबाई चौड़ाई को पढ़ लो एक बार, तो वहां फिर प्लस करके फिर चौड़ाई और ऊंचाई को पढ़ लो, फिर प्लस करके ऊंचाई और लंबाई को पढ़ लो। यानी दो दो के जोड़ों की मल्टीप्लाई करने और उन सबको क्या कर देना है, प्लस कर देना है और बाहर 2 से गुणा कर देना है। ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो ये तो होता है कि घनाभ के भी 6 फलक हैं, घन के भी 6 फलक हैं, इसमें भी 6 फलक हैं। तो उन 6 फलकों का सबका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया आपके पास। ठीक है, तो इस तरह से आप निकालते हैं। लेकिन यदि आपके पास मान लीजिए कहा जाए कि कोई खुली हुई टंकी है जिस पर ढक्कन नहीं है, खुली हुई घनाभ के आकार की एक टंकी है, ध्यान से सुनिए, एक घनाभ के आकार की खुली हुई टंकी है, इसका मतलब उसके ऊपर वाला पार्ट नहीं है, उसको पेंट करना है। पेंट करना है तो हमें छत पे तो पेंट नहीं करना ना, उसके ऊपर खुली हुई है इसलिए, बाकी जगहों पे पेंट करना है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले का ले लेंगे इसमें, तो ये सारा तो लेंगे लेकिन इसमें से हम छत वाला माइनस कर देंगे, छत का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो अब छत का आपको कैसे पता चलेगा, छत में देखिए एक तो लंबाई आती है और एक चौड़ाई आती है। तो छत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। छत का क्षेत्रफल हमेशा कैसे निकालेंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई, उस वाले पृष्ठ को इसमें से माइनस कर देंगे, तो आपके पास खुली हुई टंकी के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ में ये चीज बात, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखवा भी देती हूँ एक बार कि छत का पृष्ठीय क्षेत्र, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो उसको लिख लीजिए आई इंटू बी, कि अब कभी कभार आपको छत का हटाना पड़े या जोड़ना पड़े तो आप ऐसे करें। छत और फर्श दोनों एक जैसे होते हैं ना, फर्श का भी हटाना हो तब भी आप ऐसे करेंगे। मान लो कोई कमरा है घर आपके आकार का, उसको पेंट करना है, तो पेंट तो चारों दीवारों पे होगा और छत पे होगा, लेकिन फर्श पे नहीं होगा ना, तब आपको किसका माइनस करना पड़ेगा, फर्श का माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि आप पेंट फर्श पर थोड़ा करते हैं। तो इसका मतलब एल इंटू बी, जो छत का है वही किसका होता है, फर्श का होता है। समझ में आ गई बात,
अब इसके अलावा हम सीखते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल, क्योंकि ये भी कई बार काम आता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो अगर आपको चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना हो तो आप लर्न कर लीजिए, टू ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, समझिए, और फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू।